22 सितंबर को की रात में थाना जरिया में एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाना जरिया पर एक मुकदमा लिखा गया था। उसमें वादी द्वारा बताया गया था कि ये लोग कानपुर से चले थे 4 लोगों के साथ, और रास्ते में पति को मारने का प्रयास किया गया था, बच्चे को मारने का प्रयास किया गया था, और पत्नी और उसकी बेटी को लेकर चले गए, का अपहरण करके चले गए। तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें मुकदमा लिखा गया था। बच्ची को, जो वादी था, उसकी बच्ची को सकुशल बरामद किया गया था, और उसी समय जो इस घटना में शामिल जो गाड़ी थी उसको बरामद किया गया। ड्राइवर को से पूछताछ की गई तो ड्राइवर ने बताया, ड्राइवर की निशानदेही पे ही महिला का शव भी बरामद किया गया था। उसके बाद काफी लोगों से पूछताछ की जा रही थी। आज फाइनली इस घटना में, जिस घटना का मोटिव और इस घटना को किसके द्वारा रचा गया था, उस सबका खुलासा हुआ है। इसमें जो मृतका है उसका सगा भाई धर्मेंद्र सिंह, निवासी थाना अकबरपुर कानपुर देहात, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके द्वारा पूरी घटना के बारे में जानकारी दी गई। जो मेन इसमें अभियुक्त है उसके द्वारा बताया गया कि जो मृतका थी ये 2011-12 के बीच, जो जिसमें वादी थे सूरज सिंह, ये धर्मेंद्र के पत्नी के भाई लगते थे, उनके साथ ये पहली शादी को तोड़ के चली गई थी, जिससे इन लोगों को बहुत ही गुस्सा था इस अपनी बहन से, और बहन का पिछले 2-3 साल से इनके गांव में आना जाना शुरू हो गया था, जिस बात से इनको बहन पे गुस्सा था। तो ये पिछले 1.5-2 साल से अपनी बहन से बदला लेने की फिराक में थे। फाइनली पिछले 1.5 साल पहले किसी के थ्रू ये चतुर सिंह के संपर्क में आए, चतुर सिंह और वीर सिंह के संपर्क में, और इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग की थी। फाइनली फिर 21 और 22 सितंबर को इन्होंने अटेम्प्ट किया था, जिसमें इन्होंने महिला की हत्या कर दी।